नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं सर्किटपीडिया। विवेकानंद तपस्थली की ओर है, देख सकते हैं आप, ये मंदिर का रास्ता है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। आप देख सकते हैं उस तरफ, आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तराखंड पर्यटन का ये कार्विंग भी लग रखी है और लिख रखा है जहाँ पर उत्तराखंड पर्यटन विवेकानंद तपोस्थली। और आपको हम दिखा सकते हैं इस मंदिर का रास्ता। यही है विवेकानंद तपोस्थली। आपको हमने पिछले पार्ट में बिंदाल नदी के बारे में दिखाया था, घाटी में जाके दिखाया था। आज हम उसके उद्गम स्थल तक पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहीं से बिंदाल नदी का उद्गम होता है और आगे जाकर हमें आपको पानी भी दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पानी तक जाना बहुत ही मुश्किल है। मुझे लगता है शायद आपको आवाज़ आ भी रही होगी। आपको बिंदाल के बावड़ी का पानी दिखाएंगे, दिखाना चाहूँगा कितना बढ़िया यह टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। यह आप देख सकते हैं यहाँ लोग पानी भी पी रहे हैं। आप देख सकते हैं पानी, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ऊपर से दिखाए कैसे पानी आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी कितनी स्पीड से आ रहा है, यही आगे जाके बिंदाल नदी बनती है, देख सकते हैं आप ये। आपको बावड़ी का असल में जो पानी निकल रहा है पहाड़ से उसको दिखाएंगे। कैमरा मैन चलाऊं से दिखाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये WHO की एक वार्निंग भी लिखी गई है, क्योंकि ये बिल्कुल प्राकृतिक पानी है। यहाँ पर लोग दूर दूर से पानी भरने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं ये पानी जो पावड़ी का है वही जाके बिंदाल नदी में मिल जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप एक और जगह से पानी निकल रहा है, ये सभी स्रोत मिलके बिंदाल नदी मिलाते हैं जो आगे जाकर देख सकते हैं ऊपर हमारा मंदिर है शिव मंदिर, और नीचे ये बावड़ी का पानी जमा हो रखा है। इसके अंदर पूरा एक तरह से टैंक बन रखा है और वहीं से पानी पिया जाता है। तो हमने आज आपको बावड़ी का पानी, यहाँ का जो विवेकानंद तपोस्थली है और यहाँ पर जो बिंदाल नदी का उद्गम स्थल है वो सभी दिखाया है। हमारी ऐसी और वीडियो देखने के लिए, ऐसी और एक्सपीडिशन देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसका एड्रेस हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ज़रूर दे देंगे। धन्यवाद।